हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे एक ऐसा नाश्ता जो बहुत हेल्दी और टेस्टी भी होगा। बिना गैस जलाए ये नाश्ता बनाएंगे, ना इसमें बिल्कुल हम तेल का यूज करेंगे, बिना तेल से बनाएंगे। ये नाश्ता बहुत हेल्दी, अगर शाम के समय आपको भूख लगे तो इसे आप ज़रूर बनाइए। इसमें ना कोई मसाले है, ना तेल है, कुछ नहीं है। इसे बनाने में केवल 5 मिनट लगे। जिसे बनाने के लिए हमने ली है ककड़ी, गाजर, नींबू, टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी। इसे बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पत्ता गोभी को काट लेंगे। जितना ज़्यादा आपसे बारीक बने उतना ज़्यादा काट लें। ये शाम की छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए आज हम ये नाश्ता बना रहे हैं, क्योंकि शाम को भूख लगी थी और बच्चे भी कहे कुछ बनाए, तो आज हम बिना तेल का और बिना गैस जलाए नाश्ता बना रहे हैं। क्योंकि अब गर्मी है तो तेल वाला खाना तो किसी से नहीं खाया जाता है, तो आज हम कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं नाश्ता। पत्ता गोभी को ऐसे हम बारीक काट करके पहले रख लेंगे। पत्ता गोभी हमारा कट गया, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डाल करके इसे मिला करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तब तक हम बाकी जो सलाद है वो काट करके तैयार करेंगे। क्योंकि अभी गर्मी है तो पत्ता गोभी थोड़ा सा कड़वाहट रहती है, इसलिए इसका जो कड़वापन होगा वो निकल जाएगा इसका पानी। इसे मिला करके रख देंगे साइड में। अब हम लेंगे गाजर। गाजर को हम पहले जो चिप्स काटने वाली मशीन होती है उससे काट लें, क्योंकि गाजर जो चाकू से काटेंगे तो ज़्यादा पतली नहीं कटेगी, इसलिए हम आज उसी से काट रहे हैं। अगर आपको सलाद काटना हो तो इसी से काटा करें, बहुत जल्दी कट जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हम गाजर को काट लेंगे और ऐसे ही ककड़ी को भी काट करके रख लेंगे। ककड़ी आज हम बिना छीले काट रहे हैं, क्योंकि ककड़ी बहुत मुलायम है, इसलिए बिना छीले ही इसे काटेंगे। अब हमारी ककड़ी भी कट गई है, इसे भी एक प्लेट में रख लेंगे। लेंगे चुकंदर। चुकंदर को हमने छील करके रख लिया था, क्योंकि चुकंदर का छिलका नहीं खाया जाता, इसलिए हमने चुकंदर को छील लिया है। इसे भी हम चिप्स वाली मशीन से काट लेंगे पहले। इसी भी उसी प्लेट में रख लेंगे। अब हम काट लेंगे प्याज। प्याज की हम लंबे लंबे स्लाइस काट करके रख लेंगे। अब इसके जो रिंग्स होते हैं, अलग अलग इसकी जो पट्टी सी होती हैं, उसे हम लेयर की लेयर अलग अलग खोल देंगे प्याज की। इसे भी रख लेंगे उसी प्लेट में।
अब लेंगे नींबू, नींबू को काट लेंगे, इसके बीज निकाल देंगे। टमाटर को भी काट करके रख लेंगे। और जो ककड़ी और हमने चुकंदर और गाजर को काटा था उसे थोड़ा सा और भी बारीक कर लेंगे। एक बॉल में मिला लेंगे सभी को एक साथ। अब हम चुकंदर को काट लेंगे। अगर आप ऐसा नाश्ता बनाओगे तो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत चटपटा और टेस्टी बनता है। जितना ज़्यादा मसाला चाहे आप डाल सकते हैं इसमें, और अगर नहीं डालना है तो इसमें नहीं डाल सकते। जो हमने पत्ता गोभी को रखा था नमक में, उसका पानी निकल गया है, तो उसे अब उसी सलाद में जो हमने काटा है उसमें निचोड़ करके रख लेंगे। अब पूरा हमारा सलाद अच्छे से कट गया, एक बड़े बाउल में डाल लेंगे, बड़े से बर्तन में, और इसे सबको एक साथ अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे भुंजा हुआ जीरा का पाउडर, चाट मसाला, कुटी हुई काली मिर्च, काला नमक, हरा धनिया, नींबू का रस निचोड़ देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च डाल करके कुटी अच्छे से इसे मिला देंगे। लो, हमारा टेस्टी और हेल्दी सैलड बनकर तैयार है। शाम की छोटी मोटी भूख मिटाने की इसे आप एक बार तो ज़रूर ट्राई करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये सैलड बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ज़्यादा चटपटा होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।